द टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार, डार्क टाइम्स न्यूज़ का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी का जनपद महाराजगंज। महाराजगंज जनपद का निचलौल तहसील के अंतर्गत आने वाला इंडो नेपाल बॉर्डर के लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में इटहिया मंदिर धाम से जाना जाने वाला मंदिर अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। वहाँ पर हर साल श्रावण महीने में भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है। यह सिद्धपीठ श्री पंचमुखी इटहिया मंदिर धाम से जाना जाने वाला इस क्षेत्र का इकलौता शिव मंदिर है, जहाँ पर शिव भक्तों द्वारा नेपाल त्रिवेणी धाम से गंगा जल को लाकर भगवान शिव शंकर स्वरूप पंचमुखी शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। आज श्रावण मास का यह दूसरा सोमवार अपने आप में अलौकिक और अद्भुत दिख रहा था। मानो कि आज देवता भी भगवान भोलेनाथ की सेवा में मगन थे। जहां पर शिव भक्तों की संख्या काफ़ी दिखाई दी, वहां महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर जलाभिषेक करने में अपनी भागीदारी निभाई। वहीं प्रशासन तथा पुलिस बल के लोगों ने, चाहे वह महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष पुलिसकर्मी, सभी लोगों ने अपने अपने चिन्हित जगह पर बिल्कुल तैनात और चुस्त दुरुस्त दिखे। तो प्रकृति से भी काफ़ी मदद मिली, जहाँ इंद्र भगवान से लेकर सूर्य भगवान एवं पवन देव तक शिव भक्तों की रुचि को देखते हुए इन लोगों के ऊपर अपनी छत्र छाया लगाए हुए थे, जिससे ना तो कोई बूंदाबांदी हुई और ना किसी को कोई परेशानी हुई। इसलिए मेला में आए हुए सभी भक्त काफ़ी उत्सुक दिखे। बिल्कुल सुहाना मौसम, आज दिल को छू देने वाला दृश्य दिखाई दे रहा था। आइए देखते हैं आज के इस दूसरे सोमवार पर इटहिया बाबा धाम में लगे भक्तों की भीड़ का एक झलक। डार्क टाइम्स न्यूज के लिए राम सागर मिश्रा की रिपोर्ट। डार्क टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।